नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं सीजी लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। कोरोना महामारी के बाद यूपी में पहला मैजिक कन्वेंशन, आगरा में दो दिन चलेगा ताज मैजिक फेस्टिवल। देश भर में आ रहे 250 जादूगर। कोरोना काल के बाद यूपी में पहला मैजिक कन्वेंशन 30 और 31 जुलाई को आगरा में आयोजित हो रहा है। ताज मैजिक फेस्टिवल में यूपी समेत गुजरात, राजस्थान, बंगाल, बिहार समेत देश भर से 250 मशहूर जादूगर शिरकत करेंगे। सम्मेलन में जादू प्रतियोगिता और आम पब्लिक के लिए गाला शो आयोजित होगा। ताज मैजिक सोसाइटी की अध्यक्ष मैजिशियन जितेंद्र बघेल ने बताया कि अखिल भारतीय जादू सम्मेलन दो दिन माथुर वैश्य महासभा भवन पचकोइया में चलेगा। देश भर से आ रहे जादूगर इसमें जादू की नई कलाओं पर चर्चा करेंगे। दोनों दिन शाम 7 बजे से पब्लिक शो भी करेंगे। सम्मेलन में जादू प्रतियोगिता, जादू टीचिंग, जादू गाला शो, जादू कला की उन्नति के लिए जादू गोष्ठी होगी। फेस्टिवल में इंडियाज गॉट टैलेंट और हुनरबाज जैसे रियलिटी शो भी भाग ले चुके हैं। जादूगर एमपी अंसारी भी आ रहे हैं। एमपी अंसारी 17 बार के राष्ट्रीय जादूगर अवार्ड विजेता रह चुके हैं। इनके अलावा जादूगर सुशील जायसवाल, विकास शर्मा, मनोज जैन, तुलसी आदि शिरकत करेंगे। बंगाल से सौम्य देव, बिहार से ब्रजमोहन सिंह, राजस्थान के मनोज कौशिक, गुजरात के सुनील रावल आ रहे हैं। वह जादूगरों को टीचिंग देंगे। कुछ महिला जादूगर भी आ रही हैं। सम्मेलन में सीनियर और जूनियर कंपटीशन भी होगा।